आज अपन यहाँ पर जो है फ्रूट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने अपना आज का डे एक फिक्स किया है फ्रूट डे के रूप में, ठीक है ना। और फ्रूट डे हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं फ्रूट डे पर कि फ्रूट की क्या इम्पोर्टेंस है, फ्रूट हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है, किस प्रकार से फ्रूट हमको हमारा एनर्जी देता है, हमारे शरीर में फायदा क्या क्या करता है, हमारी हेल्थ को किस प्रकार से इम्प्रूव करता है। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, सभी को फ्रूट्स खाने चाहिए। अब इसमें आप लोग सभी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जैसे सबसे पहला फ्रूट हमारा है बनाना। बनाना जो है ये सभी बच्चों का फेवरेट फ्रूट है। बिल्कुल जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनके टीथ भी नहीं आते हैं, उनको सबसे अच्छा फूड है बनाना। बनाना को अपनी मम्मी जब छोटा बाबू होता है ना, तो बनाना को छील कर उसको मैश कर कर और बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, इजीली वो अपने अंदर उसको इंटेक कर सकता है। जबकि हार्ड फ्रूट को बच्चा नहीं खा सकता, लेकिन बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो सभी को पसंद होता है और सभी लोग इसको इजीली खा सकते हैं। कौन कौन लाइक करता है बनाना? किसको पसंद है? सभी खाते हैं बनाना। अब आप देखिए बनाना क्या क्या कर सकता है, ठीक है। बनाना हमारे हेल्थ के लिए क्या काम करता है, अगर हमारा वजन कम है, वजन बढ़ाना है, तो वजन बढ़ाने के लिए सबसे बहुत ही अच्छा फ्रूट है बनाना। मॉर्निंग में सुबह उठकर डेली एक बनाना खाइए और दूध पी लीजिए, आपका वेट जो लॉस हो रहा था वो वापस से गेन होना चालू हो जाएगा, यानी कि अपने वजन को ये बढ़ा सकता है, ठीक है। पहला यूज आ गया समझ में। इसके बाद देखो प्रमोट स्किन हेल्थ। बनाना जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम अगर खाते हैं तो उससे हमारी स्किन ग्लो आता है, और अगर हम इस बनाना के छिलके को हमारी स्किन पर रब करते हैं तो भी ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी स्किन में जो झुर्रियां पड़ती है, झाइयां पड़ती है, कालापन आता है, उस सब में फायदा करता है। तो इसका छिलका भी फायदेमंद होता है